हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम ददुकिया और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन। गाइस, हेलो एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो एजुकेशन को आप इस तरह यूट्यूब सर्च बार में सर्च कर सकते हैं और आसानी से हमारा चैनल मिल जाएगा। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और वहाँ से ऑल बेल आइकन सिलेक्ट करें और इस तरह हमारी चैनल के वीडियोस आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। तो आइए हम आगे वाला वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी चैनल पर। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि पैन कार्ड है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम वीडियो में देखेंगे कि वो ही पैन कार्ड जो अपना जनरेट हो चुका है और अपने पास आ गया है, लेकिन हमको ई पैन डाउनलोड कैसे करना है। जैसे आधार कार्ड डाउनलोड होते हैं, वैसे ही पैन कार्ड भी हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। आपको जो भी ब्राउजर है चलेगा। यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आपको डाउनलोड पैन लिखना है। डाउनलोड पैन लिखना है और सर्च करना है। इस तरह आप लिखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो पैन कार्ड डाउनलोड दिखा रहा है। आपको वहाँ क्लिक करना नहीं है क्योंकि यहाँ ये लिंक दिखा रहा है जो कि पैन कार्ड जनरेट हुआ है लेकिन आपके पास पोस्ट के माध्यम से पहुँचा नहीं है। तो वहाँ एक क्लोज एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखा रहा है, आपको वहाँ पर नहीं क्लिक करना है। मैं ये डेमो के लिए ही दिखा रहा हूँ। आपको वापस आ जाना है और आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लिंक ओपन करनी है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला लिंक दिख रहा है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो रीप्रिंट यहाँ लिखा है कि रीप्रिंट ई पेन, अब वहाँ ही क्लिक करें। ये दिख रहा है और यहाँ पर क्लिक करें। ये रीप्रिंट रीड करना ज़रूरी है और वही लिंक पर क्लिक करें, वरना आपको ये साइट मिलेगी नहीं। और यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर डालें, अपना पैन कार्ड नंबर कैपिटल लेटर में ही डालें और यहाँ हम अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डालें, जो आधार पर दिया गया है वो नंबर डालें और यहाँ मंथ ऑफ बर्थ यानी कि अपने बर्थ का मंथ ही डालना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ अपना ईयर ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ डेट डालने के लिए नहीं कहा गया है तो हम नहीं डालेंगे। और GSTN ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास GSTN है तो वो डालेंगे और नहीं है तो नहीं डालना है, वो चलेगा। और यहाँ पर आपको राइट करना है वो जो टर्म्स है उससे आपको राइट करना है और इस तरह कुछ ले जाएगा। यहाँ कैप्चा डालना है, जो कैपिटल है वो कैपिटल लेटर ही डालेंगे और स्मॉल लेटर है उसे स्मॉल लेटर, यहाँ कुछ भी स्मॉल लेटर नहीं है। और हम इस तरह सबमिट करेंगे, नेक्स्ट बटन है सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो मोबाइल नंबर है, पैन नंबर है वो दिखा रहा है और ये सब सही है या नहीं तो आप यहाँ से लास्ट वाले जो चार अंक है वहाँ से देख सकते हैं कि अपना मोबाइल नंबर है या नहीं। और जीमेल है तो यहाँ पहले वाले जो दो अंक है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अपना जीमेल सही है या नहीं। यहाँ नीचे दिखा गया है कि सिलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू रिसीव OTP। ये पैन कार्ड की जो साइट है वो आपको OTP भेजेगी। तो आपको किस पर OTP भेजना है, ईमेल आईडी पर,
मोबाइल नंबर पर और बॉथ यानी दोनों पर ओटीपी भेजना है। मैं यहाँ बॉथ सिलेक्ट करता हूँ, आप भी बॉथ सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ओटीपी कभी कभी मेल आईडी पर आता है, कभी कभी नहीं आता है, इंटरनेट स्लो होने के कारण नहीं भी आता है, कभी कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल पर अपना ओटीपी नहीं आता और ईमेल पर जल्दी से आ जाता है। तो हम यहाँ पर बॉथ रखेंगे और यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है और नीचे दिए गए जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आपको रिक्वेस्ट फॉर ई पान की वेबसाइट है वो इस तरह ओटीपी सेंड करेगी। यहाँ मैंने बॉथ रखा था इसलिए मोबाइल नंबर और जीमेल दोनों पर ओटीपी सेंड किया होगा। यहाँ लिखा है कि विच विल बी वैलिड फॉर 10 मिनट्स, यानी कि आपको 10 मिनट तक ही ये जो ओटीपी है वो वैलिड होगा। तो 10 मिनट में ओटीपी आपको कैचअप कर लेना है। हमारा ओटीपी आ गया है, हम यहाँ ओटीपी डालते हैं। इस तरह ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। आप इस तरह वैलिडेट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि कहां पर ले जा रहा है रिक्वेस्ट फॉर ई। यहां पर पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ये दिखा रहा है 8.26 रुपीस का चार्ज लेगा। पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो रुपीस दिए गए हैं वो चार्जेस लगेंगे, ये पैन कार्ड की साइट से चार्जेस लगेंगे अगर आपको डाउनलोड करना हो तो। आइए हम पे कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो हम इस तरह वो पेमेंट साइट पर ले जाएगा हमें और यहाँ से हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप यहां से, मुझे तो डाउनलोड नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आप अपना यहां पर पेमेंट कर देंगे, वो कुछ ज़्यादा रुपीस नहीं है, 8.26 रुपीस ही है, तो आप यहां से वो पेमेंट कर सकते हैं। जब आप मेक पेमेंट करेंगे तो आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित रहिए आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक आपने चैनल नहीं की है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को जरूर दिखाएं और शेयर भी करें। तो धन्यवाद।